हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉलेज एक्सपर्ट। तो बच्चों, हम बात कर लेते हैं आज NIT, IIIT एंड GFTI के बारे में कि कितनी परसेंट टाइम में बच्चों को CS ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं, मैम हमको तो CS चाहिए, मैम कहाँ पर मिल जाएगी CS, कितनी परसेंट टाइम लानी होगी जिसमें हमको CS मिल जाए। तो बच्चों, आज हम बता देते हैं कि कितनी परसेंट टाइम पे आपको CS ब्रांच मिल जाएगी NIT के अंदर, IIIT के अंदर एंड GFTI के अंदर। तो बच्चों, ये मैं टॉप की NITs के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि तिरची, वारंगल, सूरत कल, इनके बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के NITs के बारे में, कितनी परसेंटाइल पे आपको CS मिलेगी यहाँ। नॉर्थ ईस्ट के NITs के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका नागालैंड है, सिक्किम है, श्रीनगर है, मिजोरम है। तो बच्चों, इन NITs में कितनी परसेंटाइल तक आपको CS ब्रांच मिल जाएगी? तो बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, EWS के लिए, OBC के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए बच्चों कितनी परसेंटाइल बच्चों को लानी है जिसमें इनको CS ब्रांच मिल जाएगी। तो बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि CS ब्रांच कितनी परसेंटाइल तक बच्चों को मिल रही है। तो बच्चों, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 96% बच्चों को लानी होगी CS ब्रांच के लिए। EWS की अगर हम बात करें तो 95.5% पे बच्चों CS ब्रांच मिल जाएगी आपको। OBC की अगर बात करें 95.1%, ST की बात करें तो 89% और ST की बात करें तो 84% बच्चों अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है तो इसमें आपको CS ब्रांच मिल जाएगी। इसी की बात करें बच्चों, इसी 95% पे बच्चों मिल जाएगी आपको और जनरल कैटेगरी को। और EWS की बात करें तो 94.5% पे बच्चों EWS बच्चों को मिल जाएगी, 94% पे बच्चों ECE मिल जाएगी OBC बच्चों को। और ST की बात करें तो 84% पे बच्चों मिल जाएगी, और अगर ST की बात करें तो 76% पे बच्चों आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी। NITs के बारे में बच्चों मैं ये बात कर रही हूँ। अगर अब IIIT के बारे में बच्चों हम बात कर लेते हैं, तो IIIT की कौन सी IIIT के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे IIIT भागलपुर है, ऊना है, मणिपुर है। तो बच्चों, इन IIIT के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी को, और आपका EWS है, OBC है, SC, ST को CS ब्रांच कितनी परसेंटाइल तक मिल सकती है बच्चों, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हम बात कर लेते हैं अब IIIT के बारे में कि कितनी परसेंटाइल बच्चों को लानी है यहाँ पर CS ब्रांच के लिए। तो बच्चों, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 93% बच्चों ओपन कैटेगरी के लिए है, और EWS के लिए बात करें तो 92.5% बच्चों लानी होगी। OBC के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों 92% है। ST के लिए बात करें तो बच्चों 77%, और ST के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों 58% आपको लानी होगी यहाँ CS ब्रांच के लिए। तो बच्चों, IIIT के बारे में हमने बताया, अब GFTI के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, तो कितनी परसेंटाइल बच्चों को लानी होगी GFTI CS ब्रांच के लिए। तो बच्चों, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 85% पे CS ब्रांच मिल जाएगी आपको, और अगर हम बात करें EWS के लिए तो बच्चों 80% पे CS मिलेगी, और OBC को बच्चों 70%, और SC की बात करें तो 60%, और ST की बात करें तो 50% पे बच्चों CS ब्रांच GFTI में मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बात कर ली है कि CS ब्रांच आपको कितने परसेंटाइल पे मिल रही है, जो कि आपकी NIT है, IIIT और GFTI के बारे में। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हैं। मैं बार बार ये बताती हूँ आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे क्या कितनी रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगी, तो जो भी डाउट है बच्चों आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको हमसे बात करनी है, हमारी टीम से बात करनी है बच्चों, तो आप फ्रीली हमें कॉल करिए। तो ओके बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।